नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर स्वप्निल जैन, जो अवंती हॉस्पिटल में चेस्ट फिजिशियन के पद पर कार्यरत हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि पल्मोनरी डिसीजेस या फिर एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं, उनके क्या इलाज हैं और सरकार हमें किस तरह की सहायता प्रदान करती है। सर, आजकल टीबी को हटाने के लिए हमारी सरकार बहुत जोर दे रही है और ये भी बोल रही है कि अब हमें टीबी के लिए 2025 तक हमें बिल्कुल हटा देनी है। तो आखिर टीबी क्या है, लोग उसके लक्षण कैसे पहचानेंगे और उसके लिए क्या इलाज आप बताएंगे? टीबी ऐसी बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एक लंग का इन्फेक्शन बोल सकते हैं। ऐसे ही नहीं है कि केवल ये लंग को इन्फेक्ट करती है, बॉडी के बहुत से ऑर्गनों को इन्फेक्ट कर सकती है अलग अलग प्रकार। जैसे स्किन टीबी होती है, डोमिनेंट टीबीज होती है, रेस्पिरेटरी लंग्स की टीबी होती है, मोस्ट कॉमनली लंग की टीबी होती है। ये बात सच है कि गवर्नमेंट इसके अभी बिल्कुल प्रोग्राम को बनाए हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके पीछे पड़े हैं कि 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट करना है। टीबी के खास तौर पे लक्षण पहचानना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, जिससे मरीज खुद की अपनी डायग्नोसिस बना सकता है कि मुझे टीबी या उस प्रकार के लक्षण है। 14 दिन से लगातार खांसी चलना या उससे ज्यादा लंबे समय तक खांसी चलना, रोज बुखार आना, भूख कम लगना, वजन गिरना, सांस लेने में तकलीफ होना या सीने में या पेट में दर्द होना, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं। टीबी की ट्रीटमेंट में सरकार आपकी सहायता करती है, दवाइयाँ पूरी तरह से जो मात्र टीबी की होती हैं निःशुल्क प्रोवाइड करती हैं, साथ में आपको हर महीने का इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है अमाउंट के रूप में, जो कि आपके न्यूट्रिशनल के लिए मदद में लिया जा सकता है मरीजों के लिए। टेस्ट भी बहुत कुछ इसके लिए गवर्नमेंट फ्री करती है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी टाई अप हो चुका है, जिसकी सुविधा हमारे अस्पताल में भी है। जैसे खपार की जो स्पुटम फॉर सीबीनेट है, जो कि बाहर काफ़ी कॉस्टली टेस्ट होता है, पर हम लोग इसको निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है टीबी का, 6 महीने से लेके 1 साल का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, पर इसमें पूरी तरह सरकार आपका सहयोग करेगी, दवाइयाँ पूरी तरह निःशुल्क आपको प्राप्त करेगी, साथ में इंसेंटिव भी पूरे समय जब तक टीबी की दवाई चलेगी आपको दिया जाएगा। सर, चेस्ट एलर्जी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और इसके इलाज के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे जो श्रोता है उनको जानना चाहिए। मैम, एलर्जी का ऐसा है कि कोई भी बाहरी तत्व जो बॉडी के अंदर गया और आपको परेशान करे उसको एलर्जेंट बोलते हैं। चेस्ट रिलेटेड एलर्जीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो नाक के जरिए आपके फेफड़े में उतरती हैं और साथ में जो है नाक के सिम्टम्स तो देती हैं, साथ में आपको सांस लेने में दिक्कत और ऐसे चेस्ट के सिम्टम्स भी प्रेजेंट करते हैं। एलर्जी जब जब तीव्रता पे आती है, जैसे जब जब मौसम में परिवर्तन होता है, बारिश से गर्मी, गर्मी से बारिश या सर्दी, उस समय ये थोड़ी सी पीक पे आती है जब जब जैसे अपने ये मौसम परिवर्तित होता है। लगातार छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, खांसी चलना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सही समय पर हो जाए तो काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। एलर्जी टेस्टिंग, जो कि फिलहाल की भाषा में बात करूँ कि उज्जैन में बहुत ही रेयर सेंटर्स में होती है, जो कि एक हमारे अवंती हॉस्पिटल में भी हम लोग करते हैं। साथ ही इसका ट्रीटमेंट अगर सही तरीके से शुरुआती स्टेज में ही कर लिया जाए तो ये बीमारी जो है अपनी लाइफ स्टाइल को परिवर्तित नहीं करने देती है, यूजुअली हमारे लाइफ स्टाइल के साथ में अकोमोडेट हो जाती है और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा ये बात में अस्थमा, COPD ऐसी बीमारियों के तरीके भी तब्दील कर देती है। धन्यवाद।